हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय हेल्थ माय किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को हेल्दी वीट का चाउमिंग लेकर आई हूँ जो काफ़ी ही हेल्दी है और ये वीट का ही बना हुआ है। देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, अगर इस तरह का मार्केट में आपको मिल जाए तो उसे ही खाएँ, मैदा का ना खाएँ। उसको बनाने के लिए स्प्रिंग ओनियन ले लें, गाजर ले लें, प्याज ले लें, कैप्सिकम ले लें और जो आपके घर में सब्जी हो वो ले सकते हैं। इसको अच्छे से बारीक बारीक काट लें और उसको उबालने के लिए एक बर्तन लें, उसमें पानी को अच्छे से हीट करें। जब पानी हीट हो जाए तो 2 चम्मच भरकर तेल डालें, उसमें स्वाद अनुसार नमक डालें और चाउमिंग को तोड़ के उसमें अच्छे से बॉयल कर लेना है। यहीं पे आपको ध्यान देना है, यही ट्रिक है जो आपका चाउमिंग थोड़ा सा भी चिपकेगा नहीं और अलग रहेगा और बाहर की तरह टेस्ट भी आएगा। तो ये ट्रिक यही है कि आपको चाउमिंग कैसे उबालना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, एक बार हल्का हल्का बॉयल हो तो आप चेक कर लीजिए उसको कि वो दब रहा है, बस आप समझ लीजिए कि ये रेडी हो गया है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है और जल्दी से एक छन्नी लेना है, बड़ा छन्नी है तो, और उसको गरम जो उबला हुआ पानी है ना उसको तुरंत निकाल देना है। ये देखिए मैं एक छन्नी के में सारा डाल रही हूँ और इसका गरम पानी निकल चुका है। अब मैं इसे जल्दी से ठंडा पानी में डाल दूँगी। ठंडा पानी में डालने के बाद 1 मिनट उसको चम्मच से चला दें और उसमें छोड़ दें, क्योंकि उसका ठंडा पानी में डालते ही उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है और वो गलेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। यही ट्रिक है दोस्तों इसको अच्छा बनाने के लिए। आपका रेस्टोरेंट जैसा, बाहर जैसा मिलता है चाउमिंग, वैसा ही डिलीशियस चाउमिंग बनकर रेडी होगा। देखिए ये कितना खिला खिला फ्लफी एकदम अलग अलग चाउमिंग उबला है। अब इसको मैं एक थाली में निकाल दूंगी, फैला दूंगी ताकि जो भी उसके अंदर गर्माहट है वो निकल जाए। अगर गर्मी का टाइम है तो फैन में आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप लोहे का कढ़ाई ले सकते हैं, नॉन स्टिक ले सकते हैं। मेरे पास कास्ट आयरन है तो मैं कास्ट आयरन में बना रही हूँ। 2-3 चम्मच तेल डाल लें और उसको गरम करें। उसमें हरी मिर्च कटा हुआ डाल दें और प्याज डालकर अच्छे से भुने। 2-3 हरी मिर्च मैं काट के डाल दी हूँ, क्योंकि लाल मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। इसको ब्राउन होने दें। प्याज जब ब्राउन हो जाए अच्छे से, एकदम धीरे धीरे आंच में इसको पकाएं। उसके बाद मैं गाजर को डालूंगी। देखिए गाजर लंबा लंबा काटी हूँ, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगेगा। लगेगा ही नहीं कि आप घर में बना हुआ ये चाउमिंग, वो भी गेहूँ का, खा रहे हैं। भूल जाएंगे कि ये गेहूँ का बना हुआ है कि मैदे का। उसमें थोड़ा सा नमक डालें और स्वाद अनुसार लाल मिर्च डाल दें। जितना आपको मिर्ची तीखा रखना है उस हिसाब से अपना डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद चाउमिंग को उसमें डाल देंगे। सबको फैला फैला के डालना है और अच्छे से उसको भूनते रहना है। देखिए मैं सबको भून रही हूँ, इसको पूरा अच्छे से भूने। पूरा जितना आपको अच्छा से, जितना आप भूनेंगे ना उसका टेस्ट एकदम बढ़ता जाएगा और उतना ही वो खाने में अच्छा लगेगा। तो आप पहले इसको जितना भूनना है भून ले। उसके बाद मैं 2 चम्मच और तेल डाल रही हूँ ताकि वो चिपके ना और अच्छे से वो भुन जाए। खूब भूने उसको, भूनने में कोई कंजूसी ना करें। देखिए जब हल्का हल्का एकदम ब्राउन हो जाए तब मैं इसमें कैप्सिकम डालूंगी, क्योंकि हरा सब्जी को मैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं करती हूँ, उसका विटामिन ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आप जब आधा भून जाए तब कैप्सिकम डालें। फिर मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ, कि इसमें थोड़ा सा तेल डालना पड़ता है कि अलग एकदम अलग अलग खिला खिला बने, तभी तो आपको लगेगा कि बाहर का चाउमिंग हम खा रहे हैं। स्वाद अनुसार उसमें नमक डालें और अच्छे से भूनें। इसको खूब भून के उसको एकदम ब्राउनिश आ जाए
तब मैं उसमें रेड चिली सॉस डालूंगी एक बड़ा चम्मच, और थोड़ा सा और डालें अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे आप। मेरे क्वांटिटी के लिए इतना काफ़ी है। और मैं अब सोया सॉस डालूंगी, मेरा पतला सोया सॉस है तो मैं 2-2.5 चम्मच डालूंगी। अगर आपको गाढ़ा है तो आप 1.5 चम्मच डालेंगे अपने क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोया डालने से भी वो ख़राब हो जाता है। तो एकदम ऐसा बनाना है कि एकदम आपको लगे कि मैं बाहर कहीं ले आके खिला रही हूँ बच्चों को और खुद खा रही हूँ। देखिए कितना एकदम अलग अलग है, और कितना मतलब खाने के बाद आपको इतना मज़ा आएगा दोस्तों कि एक बार ज़रूर बनाएं। मैं उसमें 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप इसमें ऑरेगानो भी डाल सकते हैं, मगर बाज़ार में तो ज़्यादा नहीं डालते इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। अब मैं इसमें स्प्रिंग ओनियन डालूँगी, जब वो पूरा भूनकर रेडी हो जाएगा तब। उसके बाद मैं 1 मिनट और भूनूंगी, और ये देखिए कितना डिलीशियस हो गया है ये, और काफ़ी अलग अलग खिला खिला ये एकदम मार्केट की तरह बनता है ये चाउमीन, और बच्चे को बड़े को सबको पसंद आएगा। कभी कभी जब चाउमीन खाने का मन करे ना दोस्तों, तो इसी तरह से आप लोग बना कर खाएँ। चाउमीन बनकर रेडी हो गया है, मैं एक बाउल में सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। कभी भी देखिए, रोज़ ये सब कोई नहीं खाता है, कभी कभी खाना है तो आप इस तरह से हेल्दी चूज करें और हेल्दी ही बना के खाएं, और उसमें किसी भी चीज़ से आप गार्निश कर सकते हैं जो आपको पसंद है। अगर इस तरह का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।